बताना चाहता हूँ बख्शी साहब, सवाल ये है कि हाँ जी ऑफ कोर्स सर, सर मैं अभी के पास आ गया सर, यू कैन स्पीक नाउ सर। जी डी बख्शी साहब, देखिए ये सज्जन कौन है मैं नहीं जानता, ये बेहतर है नहीं जानते आप, पाकिस्तान से बातचीत और रिश्ता बेहतर है आप नहीं जानते, पैरवी कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे 80,000 जो है हमारे देश के नागरिक पाकिस्तान की ये जो आतंकवाद से मारे गए हैं, 21,000 पंजाब में, 45,000 जम्मू कश्मीर में और 15,000 पूरे भारतवर्ष में बम के धमाकों से, किस मुंह से आप पाकिस्तान से बात करने की बात कर रहे हैं? और जहां तक सवाल है किसने क्या किया, मेरा भाई मरा है पाकिस्तान से लड़ते हुए, नौकरी करी है, एज ए डिप्लोमेट मैं पूछता हूँ क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं चाहिए पाकिस्तान को जो बालाकोट में हुआ? अरे आप सुनिए चुपचाप, जो बालाकोट में किया वो हम चाहते हैं, समझ आई आपको? जो बालाकोट में घुस के पलटवार किया वो हम चाहते हैं, और वो होके रहेगा, आपके जैसे कबूतर उड़ाने वाले चिल्लाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। अब हम पलटवार करेंगे, हम बदला लेंगे, अगर कुलभूषण के बाल भी बांका हुआ, अरे बिस्तर भक्ति मत कर, आई जनरल बख्शी, किताबें और कलम छीन के उनके हाथ में बंदूकें दे दे, आप चाहते हैं कि आप वार मांगर, बड़ा आया ये कबूतर उड़ाने वाला, बड़ा आया ये शांति का दूत, तेरे वजह से हमारे लोग मरे, तेरे वजह से हमारे 80,000 नागरिक शहीद हुए, आप जैसे जब पाकिस्तान के खुशामदी करने वाले लोग, जिसको आप पाकिस्तान के खुशामदी करने वाले लोग, पाकिस्तान के पैरवी करने वाले लोग, याद रखना से पाकिस्तान के शांति की बात कर रहे हैं। अगर कुलभूषण को, अगर कुलभूषण को खरोच भी आई, पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। डिफेंस सेक्रेटरी आईएएस होता है, आईएमए का नहीं होता है। अगर कुलभूषण को खरोच भी आई, पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। ऑफकोर्स सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल जवाब जवाब देना होगा, जवाब सवाल पूछे, रिजवान साहब ने भी सवाल पूछे, यहाँ पे पावा साहब ने भी सवाल पूछा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम फिर वापस लौटेंगे, बातचीत के सिलसिले को फिर हम जोड़ेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक। देश मेरे, देश मेरे, मेरी जान है तू।